अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अपने अपने घरों में खैर आफियत से होंगे आप सब। आज हम बड़ी ही मज़े की रशियन सैलड बनाना सिखा रहे हैं और बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाया कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। पसंद आए तो लाइक ज़रूर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। 4 एप्पल्स लिए हैं हमने, स्किन उनकी छिलका नहीं उतारा, ग्रीन वाले भी लिए हैं और येलो भी, ठीक है। एक अंडा बॉयल करके तो उसके हमने रफली जो है कट कर लिए हैं। 2 कैरेट्स जो हैं उनको मैंने भाप में पका लिया है, स्टीम में। 2 चम्मच जो है इसमें शहद जाएगा। ये बॉयल की हुई मटर है, आधा कप जो है बंद गोभी क्रश की हुई है और कच्ची गाजर है। मटर जो है ये बॉयल किए हुए हैं, इतने ये देखें इस तरह नरम होने चाहिए लेकिन बिल्कुल मलीदा नहीं होने चाहिए। इसके अलावा 3 टेबल स्पून आइसिंग शुगर जाएगी इसमें, आधा कप जो है हैंकर्ड या फ्रेश क्रीम जो भी आपको मिल जाए इनमें से। हैंकर्ड जो है वो दही होता है जिसको लटका लें तो पानी निथर जाए। मेयोनीज ले लेंगे और 3 आलू जो हैं बॉयल करके उनको क्यूब्स में काट लिया है, और 1 चम्मच काली नमक मिर्च का जाएगा इसमें। चलिए शुरू करते हैं। अब एक बड़ा बाउल ले लेंगे हम। चलिए इसमें अब सबसे पहले ग्रीन और रेड जो हैं काटे हुए सेब जो हैं, जब भी आप एप्पल्स को काटें थोड़ा सा ऊपर लेमन थोड़ा सा निचोड़ दिया करें, उससे इनका कलर नहीं ख़राब होता। चलिए अब इसके बाद हम इनमें बॉयल किए हुए जो मटर हैं वो डाल देंगे, और गाजरें कद्दूकस की हुई, बंद गोभी ये भी चली गई इसमें। गाजरें हम कच्ची भी यूज़ कर रहे हैं, जो आपको पता है वैसे ही बहुत अच्छी हैं सेहत के लिए। बच्चे वैसे फल या सब्ज़ी नहीं खाते, तो इस तरह आप उनको दें बहुत ही उनके लिए फ़ायदेमंद है। ये बॉयल आलू जो हैं वो भी क्यूब्स में काटे हुए वो भी डाल दिए हमने। कुछ सब्ज़ियाँ भी हमने बचा ली हैं वो एंड पे डालेंगे, थोड़ा सा इनको मिक्स कर देते हैं। मिक्स करके एक साइड पे रख देते हैं अब इनको, नीचे से ऊपर को कर लीजिएगा ताकि इक्वल हो जाएं सारी। अब थोड़े से काली नमक मिर्च डाल दिए हैं हमने और इनको दोबारा से हल्का सा मिक्स कर दिया है, ठीक है। अब इसको साइड पे करके, तो जो क्रीम वाला बाउल है मैंने उसी में ही मेयोनीज डाल दिया है ताकि इसी में ही हम मिक्स कर लें वेट इंग्रेडिएंट्स सारे अपने। अब आइसिंग शुगर भी मैं इसी में डाल दूंगी, ठीक है। तो बेहतर है कि आइसिंग शुगर भी ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है अगर डालना चाहें। जस्ट हनी को ये बढ़ा लें, 3 से 4 चम्मच हनी कर लीजिएगा, या आइसिंग शुगर की जगह आप ब्राउन शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये शहद जो है हमने डाला, 1 टेबल स्पून ही डाला है, या 2 टीस्पून जो है वो डाल सकते हैं। अब ये मिक्स कर लिया हमने, और थिक जो है इसकी कंसिस्टेंसी आप देख रहे हैं ये थिक हो गई, क्योंकि इसमें मेयोनीज भी चला गया ना तो क्रीम ज़रा गाढ़ी हो गई। अब हमने बॉयल की हुई जो गाजरें हैं स्टीम की हुई और अंडे बॉयल किए हुए थे वो भी डाल दिए इसमें। आप इसमें नट्स भी डाल सकते हैं मज़ीद, आजकल अखरोट बादाम वगैरह बहुत अच्छे हैं ड्राई फ्रूट्स सर्दियों में। गर्मियों में बनाए तो ना डालिएगा उस, फिर जस्ट किशमिश वगैरह या अशरफियाँ भी डाल सकते हैं। अभी ये जो सारा जो हमने वेट इंग्रेडिएंट्स मिक्स किए थे क्रीम और मेयोनीज वगैरह शहद के साथ, तो उनको इनमें हमने मिक्स कर दिया है, ठीक है। आपने इसको फ्रिज में 2 से 3 घंटे रखना है। अभी आपके रनी फॉर्म में थोड़ा सा लग रहा होगा क्योंकि रूम टेम्परेचर पे थी सारी चीज़ें, तो बाद में आपने थोड़ी सी वेजीज के साथ गार्निश करके तो इनको सर्व करना है। आप इनको ईद पे या रमज़ान में या कोई भी आपके घर में डिनर है, डिनर पार्टीज़ वगैरह, बर्थडे पार्टीज़ या किड्स पार्टीज़ हैं, या अपने लिए ही बनाएं और बच्चों के साथ फैमिली के साथ इंजॉय करें। और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।